हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल गेम शो का से गाय गिरो वाले गिरा जी यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना चो मनक्कम खम्मा गणि हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कन्या राशि वालों के लिए जो है सो क्या प्रभाव होने वाला है शुक्र का, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप ये देखें कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि तुला राशि में विराजमान है, जो अभी से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक यहीं पर में रहेगा। इसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, इसका क्या प्रभाव होगा 13 अक्टूबर तक आपके ऊपर में, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। आइए बहुत संक्षिप्त में 5-7 मिनट के अंदर में इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, दूसरा भाव में शुक्र का बैठना यानी कि उस जातक का, उस व्यक्ति का अर्थात कन्या राशि वालों का धनवान बनना निश्चित हो गया। जन्म कुंडली में अगर स्थिति विपरीत ना हो, जन्म कुंडली में समय अगर बहुत बुरा आपका नहीं चल रहा है, तो ये शुक्र आपको धनवान बना देगा। आपके धन में वृद्धि होगी, आपके पैसों में वृद्धि होगी, इस समय में आप मोटा पैसा जो है सो कमा पाएंगे, बढ़िया पैसा जो है सो आप बना पाएंगे और कुछ ना कुछ पैसा जमा करके आप धनवान व्यक्ति के तौर पर में निश्चित तौर पर में जाने जाएंगे। मीठा खाना मिष्ठान भोज आपको इस समय में कन्या राशि वाले बहुत पसंद होगा। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके यश में वृद्धि होगी, आप एक यशस्वी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका यश इस समय में चारों तरफ फैलता हुआ नजर आएगा। आप ये देखेंगे कि 13 अक्टूबर तक आपके यश को लेकर के आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें इतनी फैलती जा रही हैं कि आपके दुश्मन आपसे जलना शुरू कर देंगे। आपको जो लोग नहीं देखना चाहते या कुछ अपने लोग भी जो ये चाहते हैं कि ये तो मेरा अपना है ठीक है, लेकिन प्रशंसा इससे ज्यादा मेरी हो, अच्छी बातें इससे ज्यादा मेरे बारे में हो, ऐसे लोग आपसे जलने लगेंगे। लोग इस समय में आपको खूब पसंद करेंगे, आप एक लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। हर तरफ आपके बारे में अच्छी बातों की चर्चा होगी, समाज जनता जनार्दन आपको पसंद करेंगे। इस समय में आप एक अच्छे जाहुरी कहलाएंगे, जो रत्न के व्यापारी होते हैं उसको जाहुरी कहते हैं, जो हीरे की परख रखता है उसको जाहुरी कहते हैं, जो रत्न को पहचानता है उसको जाहुरी कहते हैं। तो इस समय में आप एक अच्छे जाहुरी के तौर पर में जाने जाएंगे। अगर आपका काम किसी प्रकार के रत्न का है तो बहुत चलेगा, सोना चांदी का है तो खूब इस समय में चलने वाला है। आपके सुख में भी वृद्धि का ये समय है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन 13 अक्टूबर तक बहुत हद तक आप राहत महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जन्म कुंडली में अगर समय विपरीत ना चल रहा हो, तो अगर जन्म कुंडली में विपरीत चल रहा है उसके लिए आपने सही समाधान कर लिया है, बहुत सुखी महसूस करेंगे। आपको आगे आगे ही समय दिखेगा, आपको ऐसा महसूस होगा जो भाई ये घटनाएं होने वाली है, ऐसा होने वाला है, हमारा समय ऐसा आने वाला है, यानी कि स्थिति परिस्थिति को देख करके आप चीजों को बहुत आसानी से परख लेंगे, जान लेंगे कि ये चीजें जो है जो होने जा रही है, ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है, ये व्यक्ति प्रपंच कर रहा है, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में शुक्र के दूसरे भाव में रहने के कारण आपको अपने परिवार के लोगों का सुख प्राप्त होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, समाज का सुख प्राप्त होगा, पड़ोसी भी इस समय में आपका साथ देगा। इतना ही नहीं, आप में कवित्व का गुण डेवलप होगा, कविता वगैरह करना लिखना पढ़ना ये सब अच्छा लगेगा आपको। इस समय में साहस में भी कमी नहीं होगी, असंभव को भी संभव करने की क्षमता ईश्वर आपको देगा, और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात कि भाग्य का भी आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे भी आपके बहुत सारे काम जो है सो मैं देख रहा हूं ये होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रहा है, जिसके कारण से कुछ मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि किस मामले में, तो जो लोग प्रमेह रोग के रोगी हैं उनको सावधानी विशेष तौर पर बरतनी पड़ेगी, वो लोग सावधान रहे। जो लोग परिवार के लोगों के साथ
संबंध अच्छा बना के रखना चाहते हैं वो लोग अपनी वाणी पर में कंट्रोल रखें। जो लोग निर्धन नहीं होना चाहते पैसे पर में काबू करें, क्योंकि शुक्र आपको पैसा वाला बनाना चाह रहा है। साधु संत का सेवा करने का भी अच्छा खासा अवसर आपको प्रदान होगा। ये कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। शुक्र जब तक 13 अक्टूबर तक, जब तक यानी कि 13 अक्टूबर तक कुंडली के दूसरे भाव में है, आपके पास में बार 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 धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपके पास में बार बार पैसे आते रहेंगे, आना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा इस समय। आपको कुछ नया कपड़ा और आभूषण धारण करने का भी अवसर जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जन, आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस समय में उत्तम स्त्री के सुख का भी योग आपके लिए बन रहा है, तो आपको स्त्री सुख भी बढ़िया प्राप्त होगा, संतान का भी सुख मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान के भी प्राप्ति का योग है। विद्या प्राप्ति में भी रुचि दिखाई दे रही है और इस समय में आपके सौंदर्य में भी निखार आएगा। गायन वादन की तरफ आपकी रुचि भी बढ़ेगी। दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करता है तो उसका नाश होना निश्चित। तो देवी और सज्जनों, यही था कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का क्या प्रभाव है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।